हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 13 जून से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लास्ट वीडियो के 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने वीडियो के अंत में दिए थे, आइए इनके आंसर्स को देखते हैं। गूगल क्लाउड इंडिया के लिए सीनियर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर अनिल वलूरी है। विश्व बैंक ने COVID-19 की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी राशि का ऋण दिया है? इसका आंसर 1950 करोड़ है। वर्ल्ड अर्केडिटेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर 9th ऑफ जून है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसका आंसर टी 12th ऑफ जून होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है गाय रेडर। इसे फाउंड किया गया था 1990 में। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 2002 से, और इसका इस बार का थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। आइए कुछ 1 जून से 9 जून तक के इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम को देख लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। इसका थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को हम लोग इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, और उस दिन हम लोग तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाते हैं। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका थीम है टाइम फॉर नेचर। 6 जून को हम लोग रशियन लैंग्वेज डे। 7 जून को हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे। इसका थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। क्वेश्चन नंबर 2, सोमा शेखर ने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ सम्मानित किया गया है। सोमा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक म्यूजिशियन है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया है। ऑस्ट्रेलिया का PM है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है डॉलर। कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी हाल ही में एक वर्चुअल आभासी शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें उन्होंने 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? इसका आंसर बी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होगा। बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38। वहाँ का स्टेट एनिमल है गौर। स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। वहाँ पर नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड है टेड्रस अधानोम। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। डॉक्टर्स विदाउट पैरिस ये कहाँ है? USA में। 22 दिसंबर 1971 को इसे फाउंड किया गया था। केयर को फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर और केयर दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा है। वर्ल्ड बैंक हेड है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसे फाउंड किया गया था 1944 को। इसके MD एंड CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने EMPS पेमेंट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर मास्टरकार्ड होगा। मास्टरकार्ड के CEO है अजय पाल सिंह बंगा। ये नेक्स्ट ईयर इस पद से रिजाइन कर देंगे और वहां पे नए व्यक्ति इसके CEO नियुक्त किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ई पैसा ने जून 2020 में जाम्बिया अफ्रीका में निम्नलिखित से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर बी फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड होगा। जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका एंड जाम्बिया का करेंसी है जाम्बियन डॉलर। ई पैसा के CEO हैं प्रवीण कुमार भंडारी और जाम्बिया के प्रेसिडेंट है एडगर लुंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में घोषणा की है? इसका आंसर बी
मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी होगा। लगातार दूसरी बार आईआईटी मद्रास ने इसमें ओवरऑल रैंकिंग में इसमें दो बार टॉप किया है। एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है। होम अफेयर मिनिस्टर है अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7, शंभू एस कुमारन को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए फिलीपींस होगा। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपीन पेसो, इसके प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेरेट। हाल ही में कुछ एम्बेसडर और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, आइए इनके नाम और इनकी कंट्रीज को देखते हैं। सीबी जॉर्ज कुवैत की हैं, कैथरी कुमार यूनाइटेड किंगडम की है, पेरी सामी कुमार सिंगापुर की है, प्रेम की नायर रिपब्लिक ऑफ नाइजीर की हैं, रवीश कुमार फिनलैंड के हैं, सुशील सिंगल पपुआ न्यूगिनी, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हुबली स्टेशन किस राज्य में 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने के लिए वहाँ तैयार होगा? इसका आंसर बी कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम हैं बी एस येदुरप्पा, वहाँ के गवर्नर है बाजूभाई वाला। कर्नाटका का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट वर्ड है इंडियन डॉलर। वहाँ पे नेशनल पार्क है डांडेली नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9, मॉरिशस के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर में मुंबई की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर डी 60 होगा। न्यू दिल्ली की रैंकिंग है इसमें 101, चेन्नई की रैंकिंग है 143, मुंबई की एशिया में रैंकिंग 19th है और इसमें सबसे पहले स्थान पे हांगकांग और दूसरे स्थान पे असगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जगन्नाथ चेदुडू योजना में प्रत्येक वर्ष 2,47,040 लाभार्थियों के प्रत्येक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष नगद किस्त जमा की जाएगी? इसका कितनी नगद किस्त जमा की जाएगी ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। इसका आंसर सी 10,000 होगा। यह योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने और इसके तहत बार्बर्स, धोबी और टेलर्स को 10,000 रुपये उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वहाँ पर डैम है नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर पे है, पोलावरण डैम जो गोदावरी रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने देश में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया है? इसका आंसर ए इसरो होगा। इसरो के चेयरमैन है के सीमान, इसके पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? इसका आंसर बी रतनलाल होगा। ये इंडियन अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट हैं, उन्हें $2.5 लाख का अवार्ड मिलेगा। इस अवार्ड में इन्हें $2.5 लाख की राशि प्राप्त मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2020 में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर डी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है और ये राज्यसभा सांसद है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कितने संस्थानों ने नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में अपना स्थान पाया है? इसका आंसर बी 3 होगा। ये 3 कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
केंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की मंजूरी दी है? इसका आंसर ए कर्नाटक, सॉरी बी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्विरल। स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। यहाँ पे नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब हम यहाँ इस स्लाइड में कुछ कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी को रिवाइज करेंगे। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, वहाँ पे करेंसी है यूएस डॉलर। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, वहाँ पे करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ईएल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, वहाँ पे करेंसी है कॉलन यूएस डॉलर। इक्वेटोरियल गुना की कैपिटल है मालाबो, वहाँ पे करेंसी है सीएफए फ्रैंक। एरिट्रिया की कैपिटल है असमारा, वहाँ पे करेंसी है नाकफा। एस्टोनिया की कैपिटल एस्टोनिया की कैपिटल तालिन है, वहाँ पे करेंसी एस्टोनियन यूरो। इथोपिया की कैपिटल है अडिस अबाबा, वहाँ पे करेंसी बिर है। फिजी की कैपिटल सुबा है, वहाँ पे करेंसी फिजी डॉलर है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, तो वहाँ पे करेंसी यूरो। फॉर्मली वहाँ पे पहले वहाँ की करेंसी थी मार्का। गैबन की कैपिटल है लिबरविले, वहाँ पे करेंसी है फ्रैंक। गैम्बल की कैपिटल है गैम्बिया की कैपिटल है बंजुल, वहाँ पे करेंसी है दलाशी। जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी है, वहाँ पे करेंसी लारी है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, वहाँ पे करेंसी यूरो है। घाना की कैपिटल एक्रा है, वहाँ पे करेंसी शेदी है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, वहाँ पे करेंसी यूरो है। ये आज के 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए एक नई समिति का पुनर्गठन किया है? फेल ने तेलंगाना के वंडाराडी थर्मल परियोजना में एक कितने मेगावाट थर्मल यूनिट का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? कोविड-19 महामारी के बीच वापस लौटे आईटी प्रोफेशनल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर।